नमस्ते दोस्तों, मैं गुलाम शेख आज का संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। कल्याण में ईद मिलाद का त्यौहार मनाया गया। ईद मिलाद कल 28 सितंबर को थी, मगर ईद मिलाद का जुलूस आज शुक्रवार नमाज जुमा के बाद कल्याण के APMC मार्केट से शाम 4 बजे निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग शामिल हुए। दरूद शरीफ पढ़ते हुए और अल्लाहु अकबर के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा था। जुलूस में जवान, बूढ़े और ज्यादा संख्या में बच्चे शामिल थे। कल्याण के APMC मार्केट से बैल बाजार, मेमन मस्जिद, मछली बाजार, बोमिल बाजार, घास बाजार से रेती बंदर रोड, गोविंदवाड़ी होते हुए KDMC के ग्राउंड इलाही ग्राउंड पर रात 10 बजे जुलूस का समारोह हुआ। मैं आप सभी को ईद मुबारक करता हूँ। सभी को ईद मुबारक। अपने यहाँ पे कल्याण में और अपने शहरों में जो भाईचारा है, जो एक अच्छा हमारा राष्ट्रीय एकात्मता का जो हम प्रदर्शन करते हैं वो बहुत अच्छा है। और सब एक दूसरे से मिलके भाईचारे से रहना, अच्छे शांति रखना, ये सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी भाइयों को और एक बार ईद मुबारक करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चिराग फरीद बोल रहा हूँ घास बाजार से। यहाँ पर ईद मिलाद उनका नबी का जो जुलूस निकला, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकालते हैं, क्योंकि हमारे नबी है और वो दुनिया में आए तो हम आज यहाँ तक पहुँचे कि हम मुसलमान रहे। लोगों को हमको दीन की बातें उन्होंने सिखाए, उस पर हमने अमल किया और सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उनसे ही उम्मतियों की से अल्लाह के रसूल से हमने उम्मीद रखी है कि मामला हमारा जो रहेगा कयामत के रोज उनके इस पे ही रहेगा। इसलिए हम लोग ये खुशी में मनाते हैं। ये खुशी है क्योंकि वो जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, तो जब से आज तक लोग ईद मिलाद मनाते आए हैं, उस वक्त भी खुशी हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो भी उम्मत के लिए दुआएं करते पैदा हुए थे और आखिरत में भी दुआ के उम्मत के लिए दुआ करेंगे।